हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फोर है तो आज भी हम कुछ बीस से तीस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ठीक है और जिस किसी ने भी मेरे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें उन्हें भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है तो आज के हम ये क्वेश्चनस को सॉल्व करना शुरू करते हैं ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं परफॉर्मड इन लंडन बताइए वर नाइन्टी रेगुलरली फिफ्टीन इन सिक्स बताइए 1592, या 1600 या 1602 क्या होगा इसका राइट आंसर अच्छा विलियम शेक्सपियर का नाम बेसिकली दो थिएटर से ज्यादा जोड़ा जाता है तो वो कौन कौन से हैं तो एक, एक है द ग्लोब थिएटर और दूसरे थिएटर का नाम क्या है उसका नेम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ठीक है अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा यस बाय विच ईयर इज इट

ध्यान रखिएगा अगर आपसे शॉर्टेस्ट प्ले के बारे में पूछा जाए तो आंसर अलग है और अगर शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी पूछ ली जाए शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी कौन सी है बताइए हम्म hmm. अगर शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी पूछी जाए तो वो अलग है और अगर शॉर्टेस्ट प्ले पूछा जाए तो कौन सा है क्या वो हेमलेट है क्या वो कॉमेडी ऑफ एरर है टेम्पेस्ट है या लियर है क्या हुआ इसका राइट आंसर यस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉमेडी ऑफ एरर्स तो शॉर्टेस्ट प्ले जो है शेक्सपियर का वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है इसमें अच्छा टोटल कितनी लाइंस है इसके बारे में आपको मुझे बताना है ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्रस्ट बी दैट मूव्स माय बोन्स

तो ये के ग्रेव स्टोन पर अपियर होती है लाइंस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं Lear, Lear से ही आप समझ गए होंगे किस प्ले की बात हो रही है यहां पर किंग लियर की ठीक है ओके okay. अभी वेन लियर टेल्स रीगन दैट गॉन्डल हैज रॉन्ग हिम वॉट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू जब लियर ने जब लियर रीगन से कहता है कि गॉन्लिल ने उसके साथ बहुत बुरा किया है तो रीगन उसे क्या सलाह देती है बताइए ऑप्शन ए है किल हिम सेल्फ क्या वो ये सलाह देती है कि खुद को मार लो बैनिस गॉन्ड्रिल गिल को वैनिज कर दो मेक रीगन द सोल क्वीन रीगन को क्वीन बना दो गो टू गिल एंड आस्कर फॉर गिमनेस कि गॉन्ड्रिल के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए इजी क्वेश्चन है अगर आपको इसकी समरी पता है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली लगा सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गो टू गिल एंड आस्क हर फॉर गिमनेस नेक्स्ट क्वेश्चन स yes. अब इसे देख लेते हैं द कैरेक्टर फोर अपीयर इन डिक्स नॉवल ये कैरेक्टर का नेम है फोर ये कहाँ पर अपीयर होता है डिकेंस के कौन से नॉवल में, 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 में ये अपेयर होता है ऑलिवर ट्विस्ट में ओल्ड क्यूरोसिटी में पिग बिग पेपर में ये एच ना होकर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर के है ओके ये पिक विक होता है पी आई सी के डब्ल्यू आई सी के पिक विक ठीक है तो पिक विक पेपर्स या फिर बर्ना बाय बर्जेज क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए आंसर करने की कोशिश कीजिए हम्म डिकेंस के कौन से नोवेल में ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है फोर जिसका नाम है फोर यस yes, इसका सही आंसर है पिक बिग पेपर ठीक है और पिक बिग पेपर के बारे में एक खासियत यह है, है कि डिकेंस का फर्स्ट नोवेल था ठीक है दिस वाज द फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस ठीक है

सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए हम्म इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोटस ईटर ठीक है ये लॉर्ड टेनिशन का एक पोएट्री कलेक्शन है ठीक है लोटस ईटर जो है और ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है मैरिनर्स के एक ग्रुप को ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वाज अपॉइंटेड सॉरी ना होके यहाँ पे क्या है यहाँ पे है पोएट लॉरेट ठीक है ध्यान रखना है। ये पोएट है तो टेनिशन वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट इन दर टेनिशन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था अच्छा आपको बताना है कि इनसे पहले वाले पोएट लॉरेट कौन थे इसका जवाब भी दीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि टेनिशन कब बने थे पोएट लॉरेट 1850 में 1846 में 1854 में या 1858 में क्या होगा इसका राइट आंसर यस yes, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1850 में और ये किसके बाद बने थे मतलब इनसे पहले पोएट लॉरेट कौन थे तो वो हमारे बर्ड्स word थे और बर्ड्स को कौन सी एज का माना जाता है हम्म ये कौन है लवर ऑफ नेचर यानी कि रोमांटिक एज से रिलेट करते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ अब ये हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है देख लेते इन्हें पिक आउट पिक आउट द मोस्ट अपॉइंटेड वर्ड फ्रॉम दर्ड्स गिविन बिलो द सेंटेंस एंड फिल इन द्लैंक्स अब हमें यहाँ से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ब्लैंक को पूरा करना है सेंटेंस है इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप ड रेनिंग डैश दैट नाइट तो क्या आएगा इन दैट नाइट ज्यूरिंग दैट नाइट फ्रॉम दैट नाइट या एट दैट नाइट क्या करेक्ट प्रपोजिशन आएगी यहाँ पर यस yes. जैसा कि बोलने पर ही हमें महसूस हो रहा है कि यही राइट right होना चाहिए देखो इन दैट नाइट कहीं भी कोई सेंस नहीं बनती तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा अगर देखा जाए फ्रॉम दैट नाइट ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा एट दैट नाइट या फिर ड्यूरिंग दैट नाइट तो यहाँ पे एट दैट नाइट भी गलत है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग दैट नाइट ओके नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यू हैव यहाँ पे भी ब्लैंक है पहले हैव से पहले यू ब्लैंक हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन तो क्या होगा देखिए अगर सेंटेंस का मीनिंग आपको पता है तो आंसर इजीली आप दे सकते हैं यू डैस हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन तो क्या आएगा यू शुड हैव वाटर द फ्लावर्स यू मस्ट हैव वाटर द फ्लावर्स यू कुडंट हैव वाटर दी वॉटर द फ्लावर्स याव वॉटर द फ्लावर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यू नीडन हैव वॉटर द फ्लावर क्यों क्योंकि फॉर इट इज गोइंग टू रेन बिकॉज रेन बड़ हो रही है नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ही वॉज एंग्री डैश ही लिसन टू मी पेशेंसली क्या आना चाहिए दो बट शो देर फोर ये हमारे ऑप्शन हैं क्या होगा देखो करेक्ट क्या कंजंक्शन फिल होगा यहाँ पर ही वॉज एंग्री दो ही लेसन टू मी पेशेंसली ही वॉज एंग्री बट ही लेसन टू मी पेशेंसली या फिर ही वॉज एंग्री सो ही लिसन टू मी पेशेंसली या ही वॉज एंग्री देर फोर ही लेसन टू मी पेशेंसली क्या होगा करेक्ट आंसर हम्म जैसा कि देख के पता चल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है दो आएगा ही एंग्री दो ही लिसन टू मी पेशेंटली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डैश एनी फ्लावर इन दार्डन तो क्या होगा ऑप्शन है फ्यू आर फ्यू स्का एट ऑल तो देर आर आफ यू एनी फ्लावर देखिए एनी आर आए तो यहाँ पे ना तो फ्यू लगा सकते हैं हम ना ही आफ यू ठीक है अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं at all. तो क्या होगा इसका राइट आंसर हाँ देर आर स्का एनी फ्लावर इन दार्डन तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्का इन दार्डन क्स्ट क्वेश्चन जॉन ड्राइडन लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉन ब्राइडन का एग्जाम्पल है रोमैंटिक सॉरी पोएम नहीं है ये वर्क है उनका ठीक है ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमेंटिक कॉमेडी हिरोइक ट्रेजिडी हिस्ट्री प्ले या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है इसका करेक्ट आंसर सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए देखो ये जो ऑल फॉर लव है ना ये वाला द्रा, हिरोइक ड्रामा ये सिक्सटीन सेवेंटी सेवन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ठीक है ड्राइडन के द्वारा और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरोइक ट्रेजिडी ठीक है करेक्ट आंसर है इसका हीरोइक ट्रेजिडी और पब्लिश कब हुआ है सिक्सटीन सेवेंटी सेवन में ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉलोइंग दैड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बहुत ही फेमस कोटेशन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉटेंट है यू पी टीजी ओ पीजीडी के लिए ठीक है अक्सर पूछ लिया जाता है इस लाइन को इनफैक्ट In इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ़ मैन इसकी फिगर ऑफ स्पीच भी काफ़ी बार पूछी गई है क्या होगा इसका राइट आंसर पी वी शैली ने कही है ये बात टेनिसन ने कही है जॉन कीट्स ने कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है किसके बारे में है मतलब किसने कहा है इसे सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए यस yes, ये बहुत ही फेमस लाइन है किसकी वर्स वर्थ की ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है मुझे कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली अजेल्ड किड्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश इन एटीन एटीन कौन था वो क्वार्टरली रिव्यू द बी द रैमलर या द गार्डियन क्या हुआ इसका राइट आंसर हम्म सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए हाँ ऑप्शन है आपके पास क्वार्टरली रिव्यू द बी रैमलर और गार्डियन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वार्टरली रिव्यू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन बाय चार्ल्स लेम इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स सेम ने लिखा है लीवर अमोरिस एस एन मैन एंड मैनर्स कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर या रोजामन ग्रे क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर हम्म लैम द्वारा दिया गया वर्क कौन सा है यस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रोज़ामन ग्रे कब पब्लिश हुआ था ये ये पब्लिश हुआ था 1798 एट में ठीक है और ये एक शॉर्ट रोमांटिक नॉवल है चलते हैं फिर आगे ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकन्स अब नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है उन उनमें से चार्ल्स डिकेंस के विषय में जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है पहली है मेलोड्रामेटिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन हिज हीज़ पहले फर्स्ट क्या है मेलोड्रामेटिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन हिज अर्ली वर्क्स ओलिवर ट्विस्ट एंड निकल बाई बी है दिस्ट्रेशन ऑफ हार्डे स्ट्रीट अपियर्स इन लिटिल डॉरिटी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डी डिक्स ह्यूमर एंड पथोस लाई इन हाइपर्स एंड सेंसेटिव इमेजिनेशन द टर्म न्यू गेट नॉवल इज इंस्पायर्ड बाई डिक्स नॉवल न्यू गेट कौन सी इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये बताना है और किसके विषय में चार्स डिक्स के विषय में तो क्या होगा इसका राइट आंसर हम्म hmm. देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दी हुई है मेलो ड्रामेटिक एलिमेंट इज चीफली नॉटिसबल इन हिज अर्ली वर्क ऑलीवुड ट्विस्ट एंड निकल बाय ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट है द इलस्ट्रेशन ऑफ हार डे स्ट्रीट अपीयर्स इन लिटिल डॉरिटी ये भी सही है बिल्कुल नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डीकेंस ह्यूमर एंड पैथोस लाइक इन हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो हमारा राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द टर्म न्यू गेट नॉवल इज इंस्पायर्ड बाई नॉवल न्यू गेट ये रॉन्ग है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन ब्लैक एंड वाइट इस ईडियम का मतलब क्या होता है इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन शॉर्ट यूजलेस इन राइटिंग या इन फुल स्विंग क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर सोचिए बहुत ईजी है ये तो हम्म इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन रिटर्न जब भी हमें किसी से कोई चीज़ रिटर्न में मांगनी होती है जैसे ऑफिसर्स वगैरह को कोई ऑर्डर दे दे तो वो कहते हैं कि गिव मी दिस इन ब्लैक एंड वाइट मतलब हमें रिटर्न में चाहिए ये सारी चीज़ें ठीक है तो रिटर्न में जब कहेंगे इन राइटिंग यानी कि इन ब्लैक एंड वाइट ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द टच स्टोन मैथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप ये हमेशा पूछ लिया जाता है द टच स्टोन मैथड इज गिवन बाय टच स्टोन मैथड किसने दिया था विलियम बर्सवर्थ ने मैथ्यू आर्टनोल ने टी एस एलियट ने क्या है इसका राइट आंसर हम्म सोचिए आंसर करने की कोशिश कीजिए यस yes, ये है किसकी मैथ्यू आर्नोल्ड की ठीक है टच स्टोन मैथड जो दिया था वो दिया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने मैथ्यू तो लिखा हुआ है यहाँ पे आर्नोल्ड ठीक है मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था और कैसा क्या है ये टच स्टोन टच स्टोन का मतलब क्या होता है ये बताइए देखो आर्नोल जो थे वो बहुत ही फेमस विक्टोरियन पोएट रहे हैं और क्रिटिक रहे हैं ठीक है और इन्होंने ये जो टर्म दी थी वो अपने एक ऐसे जिसका नाम था स्टडी ऑफ पोएट्री स्टडी ऑफ पोएट्री ठीक है ऑफ पोएट्री ये एक ऐसे था चार्ल्स डिकेंस का जिसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करें तो आ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम ठीक है इसका तो आंसर आपको पता चल ही गया कि टच स्टोन मैथड हां मैं ये बता रही थी कि टच स्टोन मैथड का मीनिंग क्या होता है ये आपको मुझे बताना है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नसीम एजिकल वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन सीम अजिकल को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो उनके कौन से पोएट्री वर्क पर मिला था या पोइट्री कलेक्शन पर दिया गया था ये आपको बताना है टाइम टू चेंज द एग्जैक्ट नेम हेम्स ऑफ डार्कनेस या लेटर डे ये है सालम ठीक है सालम बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर नसीम अजगल को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला था टाइम टू चेंज द एग्जैक्ट नेम डार्कनेस ये लेटर डे साल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है लेटर डे साल ठीक है अब आपको बताना है कि निसी मैजिकल कहाँ से बिलोंग करते हैं मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था ठीक है ये आपको मुझे बताना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द ग्रामिटिकल इन करेक्ट सेंटेंस ग्रामिटिकली इन करेक्ट सेंटेंस को इसमें से पता करना है हमें ईच ऑफ दम फॉलोड हिज प्लान नीदर ऑफ दर्ट्स दी आई फी विल फेल तो इसमें से ग्रामिटिकली इनकरेक्ट छाटा है हमें बाकी तीन सही होंगे ईच ऑफ दैम फॉलोड हिस्स प्लान ये तो सही है अब यहां देखिए नीदर ऑफ एक्सपर्ट्स Paid for. क्या ये सेंटेंस सही है बताइए Yes इसी में मिस्टेक है क्यों क्योंकि यहाँ पे जब नीदर आप एक्सपर्ट आता है तो इसमें हम इस सब्जेक्ट को एज ए सिंगुलर लेंगे ना कि प्लूरल। और हमारी वर्ब भी कैसी आ जाएगी सिंगुलर वर्ब यानी कि क्या आना चाहिए वाज ठीक है आगे क्या है आई हैव ऑर्डर द कॉफी सही है आई फील ही विल फेल ये भी सही है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीदर ऑफ द एक्सपर्ट वर पेड फॉर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग बनानी है बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेल क्या होती है सोच समझ कर आंसर दीजिए क्या है सी एच एल ओ आर ओ पी एच आई एल क्लोरोफिल या सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल क्लोरोफिल या फिर सी एच एल ओ एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल या सी एच डबल एल ओ आर ओ पी एच आई एल देखिए कुछ स्पेलिंग्स को तो आप देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हो जैसे ये सी बिल्कुल भी नहीं है क्लोरोफिल की स्पेल ना ही डी लग रही है ठीक है तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है कि पी एच वाई आता है या पी एच आई आता है तो आपको बता दूँ ध्यान रखना कि क्लोरोफिल में हमेशा पी एच बाई आएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो स्पेल क्या बनी सी एच एल ओ आर ओ पी एच डबल एल सॉरी बाई डबल एल ठीक है क्लोरोफिल नाउ नेक्स्ट चूज दर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग वर्ड गिवन इन दैपिटल्स मतलब ये जो वर्ड दिया है इसका सीनोनियम देना है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए तो वर्ड है अफोरिज्म अफोरिज्म का मतलब क्या होता है एम्पल यूज ऑफ सिमलियन मेटअरेक्ट वे ऑफ सेम्बेरसिंग और अनप्लीजेंट अस्पीच और राइटिंग ग्लोरिफाई समथिंग और सम वन शॉर्ट फ्रेज दैट or wise. क्या हुआ इसका राइट आंसर अफोरिज्म का मतलब क्या होता है बताइए स्टेटमेंट आपके सामने है पहली है एम्पल यूज ऑफ and metaphor। नहीं ये तो नहीं है अफोरिज्म आगे है इनडायरेक्ट वे ऑफ something एम्बेसिंग और इंटेलिजेंट ये भी नहीं है ठीक है स्पीच और राइटिंग ग्लोरिफाई समथिंग और someone? ये भी रॉन्ग है तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट फ्रेज दैट समथिंग टू और वाइज दैट इज कॉल्ड अफोरिज्म नाउ नेक्स्ट यहां पर भी हमें इसका मीनिंग बताना है यूटिलिटेरियनिज्म ठीक है यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग बताना है तो ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वल बिलीव दैट एंडोर्स ग्रेटर हैपीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एक्ट ऑफ यूजिंग एवरीथिंग फॉर वन ओन बेनिफिट या एक्ट ऑफ सीकिंग प्लेजर इन मेटीरियल क्या होगा यूटिलिटे क्या इसका करेक्ट आंसर यस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलीव दैट एंडोज ग्रेटर है एनिमोसिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एनिमोसिटी किससे संबंधित है स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ हेट्रेड डाइवर्जेंट ओपिनियन इन या अपैथी आई होप इसका तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या इसका yes, इसका है इसका राइट आंसर यस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ हेट्रेड दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी ठीक है ठीक है फिर आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ठीक है और मैं डेली इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ तो प्लीज़ आप डेली इन प्रैक्टिस को सेट्स को देखें और इनके खुद से वीडियो को पोज कर कर ख़ुद से आंसर्स करने की कोशिश करें और उसके बाद चेक करें कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं ठीक है और डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी रोज़ बीस से तीस क्वेश्चन की तो बने रहे मेरे चैनल के साथ ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग